दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे पांच बहुत ही कमाल के मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने वाले हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरह का एक मैजिकल वीडियो बना सकते हो, वो भी अपने फोन से। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी वीडियो में एक बारिश वाला इफेक्ट ला सकते हो। तो यार, इसी तरह के मैं आज आप लोग को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो। एंड मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर पिछले 2 साल से मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड रखी है इसी चैनल पर। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस को नहीं देखा तो ये वीडियो एंड होने के बाद वो सारी वीडियोस को तो जरूर से देखना। सो यार, आज आप लोगों को मोबाइल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी से रिलेटेड बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से जाके वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले पोज एंड टिप्स की तरफ। अब सबसे पहले पोज में मैं आप लोग को फोटोग्राफी नहीं वीडियोग्राफी बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगी। किस तरह से इसको शूट करना है, सबसे पहले तो आप लोग को एक फ़ोन कवर ले लेना है जो बारिश वगैरह में मिलता है, जिसे हमारा फ़ोन प्रोटेक्ट रहता है पानी से। तो वो कवर के अंदर हमें अपने फ़ोन को डाल देना है। एंड उसके बाद आप लोग को एक स्प्रे भी ले लेना है। एंड वीडियो किस तरह से शूट करना है, सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी ऊंची जगह पर चला जाना है। मॉडल क्या करेगा, सिंपली जमीन पर कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा। उसके बाद हमें अपने फोन को बिल्कुल इसी 90 डिग्री पर रखना है। रखने के बाद हमें वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद मोबाइल के ऊपर हमें स्प्रे करते रहना है। जब तक वीडियो बनेगी तब तक हमें स्प्रे करते रहना है। एंड स्प्रे करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि पानी आपके फोन में ना चला जाए, वरना आप लोग का फोन खराब भी हो सकता है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। एंड ये सारी चीजें करने के बाद वीडियो किस तरह से बनेगा वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. बढ़ते हैं गाइस दूसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब जो दूसरा पोज है ये मैंने पूल साइड शूट किया है, बट जहां पर भी नदी या फिर इस तरह का पानी होता हो वहां पर आप लोग ये इजीली शूट कर सकते हो। किस तरह से करना है, यहां पर भी आप लोग को एक फोन पाउच ले लेना है वाटरप्रूफ वाला। वो फोन पाउच के अंदर हमें अपने फोन को डाल देना है। उसके बाद जो मॉडल रहेगा वो सिंपली अपना आधा फेस पूल के अंदर डालते हुए पोज देगा। एंड ये फोटो को भी हमें मोबाइल को उल्टा करते हुए क्लिक करना है। अब जैसे ही पूल के अंदर हम लोग अपने फोन को डालेंगे तो हमारे फोन का टच प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो फोटो क्लिक करने के लिए आप लोग वॉल्यूम बटन से फोटो को क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, फोटो को कर लेते हैं क्लिक। सुपर्ब यार, फोटो बहुत ही क्रिएटिव एंड बहुत ही अमेजिंग लग रही है। ये फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग को 180 डिग्री में रोटेट कर लेना है। बढ़ते हैं गाइस तीसरे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब तीसरे पोज में मैंने आप लोग के लिए वीडियोग्राफी करी है एंड कुछ इस तरीके का मैजिकल वीडियो होने वाला है। भले ये वीडियो देखने में काफी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ यार, 5 मिनट के अंदर ही आप लोग इस तरीके का वीडियो बना लोगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसको शूट करना है। शूट करने के लिए आप लोग को अपने फोन को जमीन पर रख देना है कुछ इस तरीके से। मेक श्योर आप लोग का फोन जरा सा भी ना हिले। अगर जरा सा भी फोन हिल गया तो आप लोग का वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड करना है, सिंपली मॉडल कुछ इस तरीके से चलते हुए आएगा एंड लेफ्ट की तरफ छलांग मारेगा। छलांग मारने के बाद कार की तरफ दौड़ते हुए कार के अंदर जाकर बैठ जाएगा। बहुत आसान तरीका है वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो 15 या 20 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद एडिट किस तरह से करना है वो चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपनी वीडियो को ओपन करना है। जो शुरू का पार्ट था उसको हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये फोटो में जो कार थी उस कार का हमें PNG बना लेना है। PNG बनाने के बाद अपने फोन में आप लोग को VTAP ओपन कर लेना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डाउनलोड नहीं किया तो एक बार जरूर से डाउनलोड करना। VTAP ओपन करने के बाद आप लोग को अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। देन आप लोग को नीचे एक PIP करके फंक्शन दिखेगा, वहां पर क्लिक करना है एंड जो PNG हम लोग ने बना रखी थी उसको हमें ऐड कर लेना है। फिर उस PNG को प्रॉपर फ्रेम पर ले आना है, जो 9:16 का रेशियो होता है। फ्रेम पर लाने के बाद जहां पर मॉडल ने छलांग लगाई थी वहां तक हमें इस लेयर को ले जाना है। बस इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप लोग की वीडियो एडिट हो जाएगी। आप लोग चाहे तो ढेर सारा इफेक्ट एंड फिल्टर भी यूज कर सकते हो। तो बस इतना सा एडिट करने के बाद आप लोग की वीडियो इस तरह से देखने को मिलेगी।
बढ़ते हैं इस चौथे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब चौथे पोज में मैंने आप लोग के लिए फोटोग्राफी करी है, किस तरह से शूट करना है। आप लोग को सबसे पहले एक तार ले लेना है, वो तार को राउंड राउंड करते हुए कुछ इस तरीके से शेप में बना देना है, बिल्कुल इसी तरीके से शेप में बनाना है जैसे एक टॉर्नेडो का शेप होता है। उसके बाद वो तार के ऊपर हमें ढेर सारा कॉटन चिपका देना है। अब टॉर्नेडो बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, हमें जमीन में कुछ इस तरीके से लगा देना है। मॉडल क्या करेगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा एंड कुछ इस तरीके से शॉकिंग रिएक्शन देते हुए पोज देगा। सो गाइस फोटो को कर लेते हैं क्लिक। सुपर्ब यार, फोटो बहुत ही कूल एंड बहुत ही अमेजिंग लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है फोटो मुझे कमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं गाइस पांचवे पोज एंड टिप्स की तरफ। अब पांचवे पोज में आप लोगों को एक बुक की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरह से ये फोटो को क्लिक करना है, सिंपली वो बुक को हमें जमीन पर रखना है एंड बुक को आधा ओपन करते हुए रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। मॉडल क्या करेगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा एंड कुछ इस तरीके से पोज देगा जैसे अपने हाथ से कोई चीज को पकड़ रहा हूं। एंड ये फोटो को हमें लो एंगल से क्लिक करना है, यानी मोबाइल को उल्टा करते हुए। सो गाइस फोटो को कर लेते हैं क्लिक। बहुत ही बढ़िया यार, फोटो बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही कूल लग रही है। एंड गाइस अगर आप लोगों को कलर करेक्शन के बारे में जानना हो तो आप लोग मेरा प्रीसेट डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। सो यार ये थे आज के तीन मोबाइल फोटोग्राफी एंड दो वीडियोग्राफी टिप्स। इन पांचों में से आपका फेवरेट पोज एंड टिप्स कौन सा था मुझे अभी आप लोग कमेंट करके बताओ। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो मेरी पिछली वीडियोस को भी एक बार जाकर जरूर से देखना। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।